अस्सलाम वालेकुम, क्लास नाइन साइंस। एक्सरसाइज नंबर 2.4, क्वेश्चन नंबर 3 एंड एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आज हम इसे। 2.4 तो मैंने कल करवा दी थी, उसको जाते हुए थोड़ा सा रिव्यू करवा रहा हूँ, आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। दाना जी, जो बातें बताई थी उसे फोकस कर ले। पहले फैक्टर बना ले, क्या बना ले? ठीक है जी, देखें इसके फैक्टर बनाए, पावर लगा के उसकी पावर वापस दे दी। इसके फैक्टर बनाया, यहाँ पे आ गया 0.04 है, पॉइंट ख़त्म किया 4/100 आ गया, और बाहर -1/2 ऐसे ही आ गया। यहाँ पे होल स्क्वायर रूट था तो होल पे स्क्वायर रूट आ गया। इसकी पावर वैल्यू क्या होती है? 1/2। कटता है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 1। नीचे 2 का स्क्वायर बनता है नीचे 2 5 10 बनता है, या एक स्टेप और कर लेते हैं, इसे काट लेते हैं, ठीक है। ये 1/25 और नेगेटिव है, बाय उल्टा दूं पॉजिटिव हो जाएगा, 25 ऊपर आ जाएगा और बाहर 1/2 पॉजिटिव आ जाएगा। एक स्टेप मैं और खा रहा हूँ, ये 5 25 5 का स्क्वायर होता है, पहले मैंने उसे काटा, फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में उसे रेसिप्रोकल लिया, थर्ड स्टेप में मैंने उसको फैक्टर बना दिए, ये भी काट दिया। आर ओ ने स्टेप 3 स्टेप करने हैं ये, ठीक है। मैंने बोर्ड में मेरी ऑप्शन थी, मैंने रेज कर दिया उसे। अब क्या होगा? 2 स्क्वेयर इंटू 3 स्क्वेयर इंटू 5 की पावर 1/5 कट गया। अब फाइनली क्या होगा? 2 स्क्वेयर है उसके ऊपर ही 1/2 आ जाएगा, 3 स्क्वेयर है उसके ऊपर ही 1/2 आ जाएगा, कट जाएगा। 2 3 6 है मुश्किल, तलहा है मुश्किल, समझ आ गई है? कोई स्टेप, कोई डाउट हो जहाँ फंसा हो दूसरे वाले यहां पे 2 1 6 के 2 के 3 है, 3 के 3 है, दोनों लहदा कर दिए। 25 में 5 का स्क्वायर है, लहदा कर दिया, यहां पॉइंट खत्म कर दिया, पावर वैसे ही डाल दी सारों के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में पावर काट दी, यहां पे आगे इसको 2 स्टेप में मैंने खाए हैं, पहला काटा, दूसरा रेसिप्रोकल लिया, तीसरा फिर कटिंग की, उसकी फैक्टर बना दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। मैंने लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या बताए थे आपको? ये बहुत कीमती क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन में काम आएगा और बहुत से पेपर्स में आएगा, ठीक है। पावर के ऊपर पावर तो क्या होता है? ब्रैकेट डली हो तो मल्टीप्लाई, वैसे हो तो ये होगा 2 टू द 4, 4 टू द
समझ आई, ब्रैकेट है दरमियान में तो मल्टीप्लाई, वैसे है तो पावर, अब डिवाइड है तो क्या होगा पावर, ट्वेंटी फाइव इज योर आंसर। इसके दो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो गया आपसे, डन। अब एक क्वेश्चन रह गया वो मैं करवाऊंगा, कर लोगे, ऐसे ही फैक्टर बनाने हैं, ऐसे ही तोड़ने हैं, ऐसे ही काटने हैं। टू की पावर थ्री है ना, ठीक है, 2.5 पे चलते हैं। कहता रही आयोटा 50 है जी, क्या है मुझे पता है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर है इसके ऊपर 25 डाउन टू 50 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर लिख के 25 से मल्टीप्लाई कराऊं आयोटा 50 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं माइनस वन की पावर 25 आ जाएगा। जहन में रखना है नीचे नेगेटिव वो पावर ओडो, नीचे नेगेटिव वो पावर, तो आंसर किस में आता है, नेगेटिव में, किसमें आता है, डन है, नीचे नेगेटिव वो पावर ओड हो तो आंसर किसमें आता है। देखे स्क्वायर बनाया 236 होता है, मुझे 27 चाहिए, 26 लैदा हो गया तो 1 लैदा हो जाएगा, एटा स्क्वायर माइनस 1 है, क्या है नेगेटिव है ऊपर ओड है तो क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव आयोटा, आई समझ, आई समझ। फिर कहते रहे पहला क्वेश्चन किधर हो गया, अब एक क्वेश्चन लिखा है माइनस आयोटा 5 नेगेटिव है पावर ओड है तो पहले आएगा नेगेटिव में आंसर, डन। अब ये माइनस बाहर कर दें, आयोटा स्क्वायर की पावर 2 और आयोटा अकेला अलहदा होगा 2 to the 4 देन 1, समझ आ रही कि नहीं आ रही, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा माइनस 1 के, ये नेगेटिव था ना, उधर देख लो बाद में क्वेश्चन समझ लेंगे, आयोटा यहाँ पे माइनस में है तो क्या होगा, इसकी वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा ऑड की वजह से, पावर ऑड हो नीचे नेगेटिव हो तो क्या होता है नेगेटिव, आ गया 5 है टुकड़े किए, फैक्टर बना ली चाहे दो के फैक्टर बना लो आप, अगर नहीं सॉल्व होता तो आपसे ऐसे सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर हो गया 1 अकेला बाहर आ गया, सही है, चाहे इसके भी ऐसे कर लेते हैं आप 27 के, देख रहे हो 2 और 13 यहां पे अकेला 1 बाहर, ठीक है, ये आपने कंप्यूटर में करना है बोलीन में जो 8 क्लास में करके आए हुए हो आप बाइनरी नंबर में, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, माइनस 1 का नीचे नेगेटिव ऊपर इवन है तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा प्लस माइनस, प्लस माइनस अगेन क्या हो जाएगा आंसर, डन है। अब सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द कॉन्जुगेट, क्या निकालना है, कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा के साथ वाली वैल्यू चेंज कर देनी है, क्या कर देनी है, ये होता है कॉन्जुगेट का साइन, ठीक है जी, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का 2+0 आयोटा है, हाली -4 आयोटा है, समझ आ रही है कि जा रही है, दोनों सॉल्व हो गए। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बताएं क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, शिरोज काट के दोबारा कर लो,
आयोटा वाली वैल्यू अलहदा कर दे और सिंपल वैल्यू मैंने अलहदा कर दी है, एक्स प्लस वन अलहदा आयोटा वाई अलहदा कर दिया, मस्ता तो नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या मैंने एक्स और वाई का आंसर निकालना, कंपेयर कर रहा हूँ इसको इससे कंपेयर करेंगे, ये वन वहां जाए क्या रहेगा, थ्री हो गया, डन है हसन। इसमें आए आयोटा वाई इक्वल टू माइनस थ्री आयोटा, आयोटा आयोटा से कट गया तो क्या आएगा, वाई इक्वल टू, समझ आई नहीं आई, क्या समझ नहीं आई, पहले वहां देख ले आप, ये क्वेश्चन आ गया करते आप यही है, जब पूछो कहते नहीं है, देख वाही नहीं होती है आप, इसको इससे कंपेयर किया, एक्स प्लस वन इक्वल टू फोर हो गया, ये वन प्लस वन है क्या होगा, अब समझ आ गई, पहले भी यही किया था बेटा, इसको इसके इक्वल किया आयोटा वाई इक्वल टू माइनस थ्री आयोटा, आयोटा आयोटा से कट गया वाई इक्वल टू माइनस थ्री, टू पॉइंट फाइव भी खत्म हो गई, थैंक यू।